हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चंडीगढ़ में बहुत गर्मी हो रही है, तो इसलिए हम गर्मी से राहत पाने के लिए जा रहे हैं हिमाचल। रुद्र गए अपनी नानी के पास, तो हम पहले रुद्र को और पूजा को पिक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे हिमाचल। तो बने रहिए हमारे संग इस ब्लॉग के साथ और घुमाते हैं आपको हिमाचल की वादियाँ। बाकी कुछ ऐसी जगह पर जाना चाहेंगे जहाँ अनएक्सप्लोर्ड जगह हो, अगर मिल गई तो आपको भी एक नई जगह देखने को ज़रूर मिलेगी। तो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। ये एंजल अपने शूज भूल गई थी घर पे, तो आरुष गया बेचारा शूज लेने। ये 15 सेक्टर में ये देखो, मेरा बेटा शूज ले गया रहा है अनुग, कितना मेहनती है ये। ये देखो अभी लड़ाई हुई इन दोनों के आपस में। थैंक यू। ये आ गया रुद्र सतानी तत्व। ये मोटी भी आ गई है जाने के लिए, और इसमें चश्मा पहन दिखाइए शक्ल। आज मैंने अपनी गाड़ियां बुला ली गाइस, देखो आप। अरे वो तो कैरल हो गया, अच्छा कैरल हो गया। गाइस शर्मा रहे हैं जल्दी। ये दोस्तों पहुंच गई टीम इसर स्वीट, हमारा फेवरेट, हमारी जगह जहाँ पर हम नॉर्मली जब भी आते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ खाते जरूर है। ये दोस्तों ब्रेकफास्ट आ गया हमारा, छोले भटूरे, और ये छोले भटूरे की पूरी प्लेट अभी आई नहीं हमारी। ये बच्चों ने कुछ और ही ऑर्डर किया है, वो अपना एक छोले भटूरे और पाव भाजी। वो भाई भटूरा क्या फुटबॉल ही लग रही है। तो ये दोस्तों ब्रेकफास्ट करके हम आगे निकल रहे हैं। अब आगे का सफर देखते हैं, कहाँ सोच रहे हैं शिमला जाने के लिए, बट कहाँ तक पहुँचते हैं देखते हैं। आगे सारा कुछ ट्रैफिक पर डिपेंड करता है। ये पूजा को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है गाड़ी में आते आते, वाह। और ये वहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है, ये फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पर। और आदि और ही रुद्र भी अब चला गया अपने फूफा जी की गाड़ी में, सब आराम से रेस्ट करते हुए जा रहे हैं। ये दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं शिमला, शिमला से 10 या 12 किलोमीटर पीछे हैं अभी हम। तो अभी हम फ्रूट ले रहे हैं, ये हमारे साथीगण ये फ्रूट ले रहे हैं। रुद्र का थोड़ा मन खराब हो रहा था, वॉमिटिंग जैसा हो रहा था, तो उसके लिए ये रुद्र सो गया है, उसका मन खराब हो रहा था। ये अगली गाड़ी में ये पीछे आरू भी सो के हटा है। रोड मौसम अच्छा है यहाँ पर, चंडीगढ़ के हिसाब से तो अच्छा है। बाकी हम चलते हैं गाड़ी में, पहुँचते हैं शिमला। ये अब इसकी भी हालत थोड़ी ठीक हो गई पूजा की, यानी कि वॉमिटिंग हो रही थी ना उसके हिसाब से। और ये एनू ठीक नहीं है अभी हमारे, बट एनू पूरा सोते हुए आई है, पूरे रास्ते सोते हुए आई है, ऑलमोस्ट आधा रास्ता तो है ना। सुबह 7 बजे हम गाड़ी में बैठे थे, 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, शिमला हम पहुंच चुके हैं अभी भी हम गाड़ी में, बट हम रुकते हुए आए हैं। ये यहाँ जाम लग गया है, इन्हें कहते हैं अनप्लान ट्रिप्स, अनप्लान स्ट्रेस। एंजॉय। ये फ्रेंड्स हम शिमला से लाइव, आप जहाँ हम देख सकते हैं लाइन लाइन से चल रहे हैं, पीछे भी यही हाल है, ये टाइम और ये जाम। एंजॉय इन द कार ओनली। ये दोस्तों हम शिमला तो पहुँच चुके हैं, भीड़ बहुत है यहाँ, पार्किंग बड़ी मुश्किल से पार्किंग लगाई हमने अपनी गाड़ियों की, एक गाड़ी लग चुकी है हमारी वाली, दूसरी
दूसरी गाड़ी लगी नहीं जिसमें बच्चे हैं। ये फेस देख रहे हैं मतलब कि हम ठीक लग रहे हैं खराब, क्योंकि हालत जाम में लग के हमारा कुछ जाम बन गया है पापड़। पार्किंग की कोई फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं है इस समय, बट हवा अच्छी चल रही है। यह है दोस्तों शिमला की पार्किंग के चार्जेस घंटों के हिसाब से है यहाँ पर। ये दोस्तों आज लगा है शिमला में शिमला का कार्निवल, तो दिखाते हैं आपको शिमला का कार्निवल थोड़ा सा। शिमला समर कार्निवल लगा हुआ है यहाँ पर शिमला में। ये इसकी एंट्री और ये बाहर पे कुछ डेकोरेशन की आइटमें रखी हुई है जो कि आप परचेज कर सकते हैं, और ये पीछे खाने की आइटमें स्टॉल्स लगे हैं पर छोटे छोटे। की भीड़ में घूम हो चुके थे हमारे कुछ साथी जो मिल गया हमारे को आगे। ये इतनी 5-6 घंटे की मेहनत के बाद पहुंचे हम शिमला। अब हम जाएंगे लिफ्ट में। लिफ्ट में रोड के लिए हम जा रहे हैं लिफ्ट में से, और लिफ्ट के लिए देखो वहाँ पहले कितनी भीड़ है। नंबर लगाना पड़ेगा शायद, ऐसा लग रहा था जैसे वैष्णो देवी में जा रहे हैं। ये भी हमारे को नंबर मिलेगा, टोकन मिलेगा शायद लिफ्ट के लिए। ये रुद्र और आदि मस्ती कर रहे हैं। हाँ वेरी गुड, ये जिंदगी है बढ़िया। और ये जिंदगी है वो उससे ज्यादा बढ़िया। बहुत बढ़िया तरीके से शिमला पहुंच चुके हैं, लिफ्ट एक और आ चुकी है। अब देखते हैं शिमला की माल रोड पे कैसे पहुंचते हैं। बच्चे एक्साइटेड और ये जोर से बोलो वे टू माल रोड। ये लोग घूमो, ये आगे हैं दूसरे लिफ्ट में। ये दोस्तों हम पहुंच गए शिमला के माल रोड, और ये टैक्सी वाले टों टों करते हुए। हॉस्पिटल है, अच्छा सॉरी वैन क्या एम्बुलेंस। और आपको भीड़ दिखाते हैं शिमला की। आज डेट है, डेट कौन सी है, जून है 24 तारीख। और ये देखिए रश, शिमला का माल रोड स्टार्ट होता है यहाँ से। बच्चे हैं केक मास्टर पे। तो गाइस ये है बेकरी, शिमला की बेकरी है, इसके अंदर आप खाने आ सकते हैं जो आपको खाना है। देखो ये है शिमला की बेकरी, और इसको ये 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 और वो देख। ये आदि ने लिए डोनट्स। हाँ ने लिया एक मिनी बर्गर। हाँ जी हाँ जी निकालो निकालो भाई। रुद्रम ने मम्मी को दिलाया ये नेकलेस, माला के साइड वाला दिला देगा तू भी, कब दिलाएगा जब मांगेगी। हाँ
सब कुछ आगे ये है लाइब्रेरी शिमला की। ये दोस्तों झाकू मंदिर माल रोड से दिख रहे हैं हनुमान जी पेड़ों के ऊपर से। ये है शिमला का माल रोड और हम ले रहे हैं शिमला के माल रोड के नज़ारे। रुद्र को मिल दिया स्लाइम, रुद्र हो गया खुश, खुशी रहा कर तू ये थके हुए चेहरे माल रोड पे। हॉर्स राइडिंग तो करनी है भाई, अभी रुक जाओ। कहाँ पे? बिल्कुल ठीक है। ये रुद्र और आदि जा रहे हैं हॉर्स राइडिंग करने। ये रुद्र हॉर्स राइडिंग करने जा रहा है, कर लेगा तू? कर लेगा? अच्छा दोनों कर लेंगे हॉर्स राइडिंग। ये बैठ गया आदि, भैया थोड़ा सा जगह तो दे यार। ये आदि बैठ गया है हॉर्स, ये आदि बैठ गया है हॉर्स पे, हॉर्स राइडिंग हो रही है आदि की। चलो भैया मजा रहे। नहीं नहीं ठीक है भैया चलान तो कुछ कह रहे स्माइल कर। ये रुद्र जी भी हॉर्स राइडिंग करते हुए। एक चद्दर और लोग इतने हो गए। ये हमने अपना विश्राम करने के लिए जगह कर ली है शिमला में, अब रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। बच्चा देख रहा है कौन है हमें, ये कौन से जंगल से हमें। ये देखो शिमला में अलग थलग कर दिया इसको हमने, उसे को पत्थर बैठी हुई है। इन्होंने कहा था ये घोड़े पे बैठ कर दोनों बन गए घोड़े। नहीं बन के नहीं, खुद ही घोड़े बने हुए। मतलब आधी घोड़े खुद घोड़े बने हुए आधी। हाँ हॉर्स गेम कर तू। एक वो घोड़ा भाग रहा राज भी जगह। दोस्तों सुबह से हो गई रात हमारे को घूमते घूमते शिमला में माल रोड पे, तो अब हम घर की वापसी कर रहे हैं और थक चुके हैं हम बुरी तरीके से। बाकी अब दोबारा स्टार्ट करेंगे अपनी वापसी की जर्नी। तो ये देखिए हालात, हम सबके थके थके चेहरे। दोबारा हम लिफ्ट में और ये बल्ली भाई टिकट लेते हुए ये शिमला के रात के नज़ारे। ये ऐसे आते वक्त वॉमिटिंग लग गई है, इसकी हालत थोड़ी कमजोर। इसे एक बार वॉमिटिंग हुई है और ये भी थका हुआ है। अब नींद आ रही है तेरे को? खाना नहीं खाएगा? बस जी ये तो मोहितो पिएगा, लार्ज पिएगा मोहितो। ठीक है। और तू भाई आदि तू पिएगा? तो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर हो जाए। शेक ना पिए अभी ठंड का टाइम है। ये आ गया आरुष।
ये रात को हम खाना खाने के लिए रुक रहे हैं किचन किंग पे, अंदर बुला रहे हैं। आ गया तुम पूरी मस्ती कर लो, है तुम्हारी मस्ती है। दोस्तों हमने डिनर कर लिया है, जितना विश्राम रेस्ट करना था रेस्ट कर लिया, अब हम जा रहे हैं घर अपने, तो अब घर पे थोड़ी डांट खाएंगे और आराम से नींद पूरी करेंगे, बाकी मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइज हम घर पे पहुंच गए हैं रात के 1:30 बजे, 1:30 पे रुद्र को हमने छोड़ दिया 23 सेक्टर उसकी नानी के पास और हम आ गए घर। बट हमारे को घर पे आज डांट नहीं पड़ी हैं, गालियाँ नहीं पड़ी हैं और हम थक भी बहुत गए हैं सफ़र से घूम घूम के शिमला को। तो करते हैं ब्लॉग का यहीं पे एंड, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय, टेक केयर।